हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जनता अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह, और लास्ट क्वेश्चन के साथ अपना एंट्री है अपनी आज एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन 29। देखो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन, और आपको इंटरवल पहले से गिवन है, 0 से 1 के साथ है, 0 1 इंक्लूडेड है। फिर मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले गिवन फंक्शन देखो क्या है, एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन पावर 1/3। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, सर एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स हुआ प्लस 1/3, लाइक दैट। अब आपको सिंपली पहले डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1/3 पावर आगे आएगी, बिल्कुल सर, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, बिल्कुल सर। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट मेरे हिसाब से, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करो, 1/3 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और हेयर 2x-1=0 है। यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करके अगर देखेंगे, आपको दोनों 0 के इक्वल रखने हैं ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, देखो तो मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए और एड सब्सट्रैक्ट करने पे माइनस आना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई भी रियल रूट ही निकल के आएंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं निकल कर आएंगे। देखो करके दिखा देता हूँ आपको ये चीज़, यहाँ पर सॉल्व, ए के वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -1 है, सी का वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, -b+-√b²-4ac/2a। वैल्यू पुट करो, -±+1±√b²1-4ac अपॉन में 2a, ठीक है, a की वैल्यू 1 है। अब आप देखोगे तो 1±√ में -3 आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे नो रियल रूट निकल कर आएंगे, नो रियल रूट्स, तो रियल रूट नहीं है, तो इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, केवल मैं लूंगा 2x-1=0, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई है, मेरे पास हाफ आई है, डेट इज कॉल्ड योर क्रिटिकल पॉइंट एंड ओनली। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल, आ जाओ पीछे आ जाओ, एक्स इक्वल्स टू हाफ पॉइंट लाई बिटवीन द इंटरवल 0 to 1। नाउ वी फाइंड वैल्यूज एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू, तीनों में निकालेंगे फिर देखेंगे मैक्सिमम कौन सी है। तो फंक्शन में मान लो मैं 0 पुट कर देता हूँ इस पूरे फंक्शन में, तो देखो यहाँ 0 हो गया, 0-1 हो गया, +1 हो गया, 1/3, देखो ये तो पूरा 0 हो गया, 1/3 1 ही होती है। अब अपन मान लो 1 पुट कर देते हैं, 1 1-1 केवल एक्स की जगह पुट करना है, +1 1-3, फिर से ये 0 हो गया, फिर से ये 1/3, फिर आपके पास हाफ आया, हाफ हाफ -1 +1 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, हाफ हाफ में से गया तो कितना होगा मल्टीपल में, -1 + 1 1/3, इसको भी सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -1/4 + 1 1/3, इसको सॉल्व करोगे ये किसी नहीं प्लस में है, इसको सॉल्व करोगे 4 1 4 1 किया तो ये 3/4 पावर में 1/3। अब आप ये तीन वैल्यूज है आपके सामने देख लो, अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ समथिंग निकलेगी, मतलब छोटी निकलेगी कुल मिला के, आ रहा है समझ में? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू है ना वो कौन सी है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास, सर 1 है आपके पास, है ना। सो नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन एफ इज 1, बताओ क्लियर हो गया क्या? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन सी जो है ना इज करेक्ट, क्लियर है। आपका एक्सरसाइज 6.3 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी क्वेश्चन इजी है, बस थोड़े से डेरिवेटिव थोड़े से लेंदी है, तो उनमें आप अपना जो मतलब फोकस है वो बना के रखना, जो आपने 5th चैप्टर में डेरिवेटिव सीखा अच्छे से उसको आप अप्लाई करना बहुत एप्लीकेबल तरीके से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।